अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शू कलेक्शन। तो बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेरे पास एक ये सैंडल, ये इस तरह की है, कुछ सेमी फॉर्मल है, मतलब इस तरह के स्ट्रिप्स हैं और विदाउट हील है, फ्लैट है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसे मतलब कहीं भी आने जाने में पहन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसके अलावा पहनने के बाद इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे से इस तरह का ज़िपर है इसका और कुछ इस तरह की ये है। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ये एक गोल्डन सैंडल, ये मैंने सावा शूज से ली थी। और इस तरह का कुछ इसका लुक है आगे का, इस तरह का ब्रोच लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी और डिसेंट सी लगती है मुझे ये। इसकी थोड़ी सी हीला उतनी ज़्यादा नहीं है और इस तरह का इसका लुक है। तो आप इसे, मैं इसे आराम से लगा लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, मतलब इसकी हील भी उतनी ज़्यादा हाई नहीं है और मैं ज़्यादा हाई हील्स भी नहीं पहनती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं इस वाली सैंडल को अक्सर जगहों पर पहन देती हूँ। और इस तरह के सैंडल्स जो हैं वो अमूमन मेरे ख़्याल से सभी के पास होती हैं, जो आप हर ड्रेस के साथ पहन सकते हो। उसके बाद है मेरे पास एक ये वाली सिल्वर कलर की सैंडल, ये मेरी फेवरेट है। इसके स्टोन्स के कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और उसके अलावा पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। उसकी हील जो है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरी फेवरेट है तो मैं इसे ज़रूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करती हूँ। और ये पहनने के बाद जो है इसके जो स्टोन्स जो हैं वो बड़े अच्छे शाइन से करते हैं, बहुत ही कूल सी लगती है, तो मैं बड़ा शौक से इसे पहनती हूँ। और इसकी भी हील है उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हाई हील्स नहीं पहनती हूँ, तो इसकी भी छोटी सी हील है, छोटी सी, तो मैं इसे पहन लेती हूँ। और इस तरह का इसका चिप वाला जो है वो लॉक है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको इसे पहन के भी दिखा देती हूँ, थोड़ी सी शो भी मार लेती हूँ भाई कि कैसी लगती है पहनने के बाद। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये। इससे मैं ज़्यादातर जो है वो सिल्वर, अगर मेरे ड्रेस में कोई हो तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री इसे पहन लेती हूँ। अच्छा भाई, तो अब है हमारे पास ये वाली सैंडल, ये ली थी मैंने फ़र्स्ट स्टेप से। और इस तरह की है ये कुछ दिखने में, आगे से इस तरह का इनका पम्प स्टाइल का लुक है और बैक साइड से जो है पूरी ओपन है, कोई लॉक नहीं है। इसकी इतनी हील है, छोटी हील भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई हील भी नहीं है, मतलब नॉर्मल हाइट की हील है। लेकिन ये जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मतलब एक तो पीछे से इसका लॉक नहीं है और दूसरी बात कि इसकी हील जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसे नहीं कैरी कर पाती हूँ। मैंने मुश्किल से इसे एक दो बार ही पहना है और उसके बाद से जो है मैंने इसे रखा हुआ है। बहुत सारी सैंडल्स तो ऐसी भी थी जो मेरे, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास अभी तक मौजूद हैं, बट क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी थी और मैंने सारी सैंडल्स जो हैं वो इकट्ठी करी, तब मुझे पता चला कि भाई हाँ ये वाली सैंडल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ये ब्लू कलर की बहुत ही क्यूट सी सैंडल। इसकी बॉक्स हील है और बॉक्स हील जो है वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है, तो अगर आप लोग हील नहीं पहनना पसंद करते हो या नहीं कैरी कर पाते हो तो आप इस तरह की बॉक्स हील ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, तो मैं भी इसे बहुत शौक से पहनती हूँ। अच्छा जी, अब है हमारे पास एक ये गोल्डन कलर की बहुत ही डिसेंट सी और प्यारी सी सैंडल आप कह लें। इसकी हील नहीं है, फ्लैट है ये और इस तरह की है, आगे से ग्लिटर वाली है, थोड़ा सा पम्प स्टाइल है और विदाउट हील है, फ्लैट है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी बिल्कुल भी हील नहीं है और लॉक भी है, तो आप इसे जब आपके घर की शादी हो या आपके करीबी कोई फंक्शन इवेंट हो तो आप इस तरह के सैंडल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि आप इजीली और घूम सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ये इस तरह के सैंडल्स जो हैं वो मेरी फेवरेट्स होती हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक ये रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी फ्लैट, ये जो है वो रेड कलर में है, अगेन बिल्कुल हील नहीं है, विदाउट हील है, फ्लैट है, रेड कलर में है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद और
क्योंकि इसकी हील नहीं है तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। कहीं भी मुझे आना जाना होता है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, बैक साइड से कितनी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे बिल्कुल हटाने का सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा अपनी कलेक्शन में से इसे ही वेयर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और आराम से जो है मैं इसे कैरी कर लेती हूँ। कहीं वैसे मैंने जाना होता है, किसी के घर जाना होता है या कोई इवेंट भी अटेंड करना होता है तो आराम से इस तरह की फ्लैट चप्पल में मैं कर लेती हूँ। ओके, तो अब है हमारे पास एक ये वाली हील। ये आगे से इस तरह की नेट है इसकी और इस पे जो है वो स्टोन्स लगे हुए हैं और इस तरह का है कुछ इसका लुक। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं है और इस तरह की इसकी बॉक्स हील है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हील्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि या तो मैं फ्लैट्स लूँ या अगर हील मैंने लेनी भी होती है तो मैं बहुत कम हील लेती हूँ या फिर बॉक्स हील ले लेती हूँ ताकि मैं आराम से उसे कैरी कर सकूँ। ठीक, तो नेक्स्ट है मेरे पास एक ये ब्लैक सैंडल। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बाय की है, इसे उतना ज़्यादा पहनना नहीं हुआ तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह कि कितनी कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, बैलेंस है डिसबैलेंस है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इसे वेयर नहीं किया है। जब मैं वेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये पहन के इसका लुक जो है वो कैसा रहा। तो नेक्स्ट जब मैंने जब भी वीडियो अपने शूट की, नई नई कलेक्शन मैंने इंशाल्लाह जब जमा की तो मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि भाई वैसे तो पहनना हुआ नहीं तो हम ऐसे आपको पहन के दिखा देते हैं। ये तो इस तरह का इसका लुक है, इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसे पहनूंगी और फिर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बट अभी जब मैंने पहनी तो मुझे थोड़ा बहुत कम्फर्टेबल लगा इसका हील और डिसबैलेंस भी नहीं ही लग रही थी। ओके, तो अब है हमारे पास ही बहुत ही प्यारी सी सैंडल है, हील है। इसके फ्रंट पे जो है वो थोड़ी सी फैंसी है, स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं और इस तरह की है कि आप किसी शादी में या उस तरह के इवेंट में पहन सकते हैं। और अगेन इसकी भी बॉक्स हील है, दोबारा मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि बॉक्स हील जो है मैं पहन लेती हूँ और इसका इस तरह का लॉक है। ये वाले लॉक जो है मेरी ज़्यादातर सैंडल्स के इसी तरह के लॉक होते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से पहनने में आ जाते हैं, बस ऐसे आपने इसे करना होता है और इसे लॉक हो जाता है। तो अब चलिए मैं आपको इसको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये मैं इसे पहन के आ गई हूँ। ये कुछ इसका लुक आता है पहनने के बाद, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हील है और बिल्कुल मेरे साइज़ की है तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है और इसलिए मैं इसे भी पहन लेती हूँ। अभी उतना ज़्यादा नहीं पहना है बट मुझे पता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ और इसकी हालत भी उस रेड वाली की तरह, फ्लैट की तरह ख़राब होने वाली है। तो भाई नेक्स्ट है मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सी ब्लैक कलर की फ्लैट। ये जो है बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। ये मैंने जो है अगेन कुछ टाइम पहले ही बाय की है, इसे मैंने पहना नहीं है, जैसे कि बिल्कुल क्लीन सी ये सैंडल है अभी और पीछे से इस तरह का ज़िपर है, बिल्कुल फ्लैट है, विदाउट हील है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, फ़र्स्ट साइट लव वाला सीन हुआ है मेरा कुछ इसके साथ। मैंने पहली नज़र में इसे देखा और बस मैंने कहा बस भाई ये तो मैंने लेनी ही है। तो ये देखिए पहनने के बाद कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। पहली बात तो उसका कलर ब्लैक है और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है तो इसलिए भी कुछ मुझे ये पसंद आ गई थी तो भाई मैंने इसे ले लिया। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे पास ये सिल्वर कलर में बहुत ही कूल और स्टाइलिश सी हील। इसकी हील जो है वो थोड़ी हाई है इसलिए मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ लेकिन मुझे पसंद बहुत है। इसकी हील जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल है, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप हाई हील ले लेते हो तो वो डिसबैलेंस होती है और उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हो आप, बट इसके साथ वो सीन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट फिर भी मैं इसे थोड़ा कम ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे हील्स कैरी करने की आदत नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसे कम पहनती हूँ। बट फिर भी ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती है और मुझे पसंद है। जब आप कोई पेपलम स्टाइल का ड्रेस पहनते हो या कोई इस तरह का ड्रेस पहनते हो तो उस पर अच्छी लगती हैं इस तरह की हील्स, तो मैं भी इस तरह की हील्स पहनती हूँ।
आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आप लोगों को मेरी कौन सी सैंडल या कौन सी हील जो है आप लोगों को मेरी पसंद आई, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे जितना हो सक रहा है उतना मैं आप लोगों को सारी सैंडल जो है वो अच्छे से दिखा रही हूँ। मेरे पास ये एक खूसा भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से खूसे भी थोड़े बहुत आपके पास होने चाहिए। इसे भी मैंने काफ़ी पहना है और अगेन ब्लैक कलर में है, तो मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर, तो इसलिए मुझे पसंद भी बहुत है। और ये भी पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, आप आराम से चल फिर सकते हो। तो इस तरह की चप्पलें मुझे बहुत पसंद आती हैं जिसमें आप आराम से चल फिर सको, वरना कुछ हील्स इस तरह की होती हैं कि पहनने के बाद वो अच्छी तो बहुत लग रही होती हैं बट आप उनमें कम्फर्टेबल नहीं होते, तो वो फिर मेरे ख्याल से बेकार ही हो जाती हैं। तो ये इस तरह का कुछ ये पहनने के बाद लगता है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी इसे पहना भी है और आगे मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पहनने भी वाली हूँ। तो बस हाँ, इस तरह का कुछ लगता है पहनने के बाद। काफ़ी मैंने का स्टाइल मार के आप लोगों को दिखा दूँ अच्छे से। अच्छा भाई, तो अब है मेरे पास ये एक गोल्डन सैंडल। आप लोग कह रहे होंगे कि ये सारी चप्पलें सारी जुतियाँ जो है मैंने लाइन से लगा दी हैं, दुकान खोली है मैंने। तो भाई ये है मेरे पास एक गोल्डन सैंडल, ये भी बहुत ही प्यारी लगती है। अगेन मैंने सावा से ली थी, इसे मैंने 2-3 बार ही पहना है। इस वाली की जो हील है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस है, मतलब अनकंफर्टेबल है तो बहुत ही प्यारी और थोड़ी फैंसी भी है, लेकिन अगेन इसे पहन के मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ। बस किसी ऐसे इवेंट में अगर आपको जाना हो कि आपने जाना है और बैठना है और बस आ जाना है, तो उस तरह के इवेंट के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन अगर आपने शो मारनी है, आपने घूमना फिरना है, तो फिर इस तरह की हील जो है वो उनको टाटा बाय कहना पड़ता है। तो मैं भी वही करती हूँ, जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो मैं इसे पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे स्किप करती हूँ, उस तरह की सैंडल्स भी। तो भाई ये मैंने सोचा कि आप लोगों को पहन के दिखा दूँ। साइड से इसका कुछ इस तरह का है, साइड से इसकी जो है पट्टी बनी हुई है, उस पर स्टोन्स लगे हुए हैं। वैसे मुझे पसंद है ये भी, मतलब इसका लुक बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, लेकिन क्योंकि इसकी हील जो है वो हाई है तो मैं थोड़ा कम पहनती हूँ इसे। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर फ्लैट्स में ही जो है वो इवेंट्स निकाल लूँ ताकि मैं कम्फर्टेबली घूम फिर सकूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू कंटेंट। आई थिंक ये जो है, हाँ ये भी न्यू है, इस तरह का इसका फ्रंट से लगा हुआ है, पत्थी लगी हुई है, रॉयल ब्लू कलर में है, ये भी नई है। इसकी भी बॉक्स हील है और सेम उस तरह का ही लॉक है जो मेरी अक्सर सैंडल्स में है, क्योंकि ज़्यादा सैंडल्स में है जो है वो आजकल इसी तरह के लॉक्स आ रहे हैं, तो ज़्यादातर मेरी सैंडल में इस तरह के लॉक ही हैं। ये भी पहनने के बाद जो है वो कंफर्टेबल रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और ये कुछ लग रही है इस तरह पहनने के बाद। जितना मुझसे पॉसिबल हो सका उतना मैंने आपको पहन के भी दिखा दी अपने सारे सैंडल्स, ताकि आप लोगों को इसका लुक भी पता चल जाए और ये किस तरह की लग रही है पहनने के बाद वो भी पता चल जाए। तो भाई ये आखिर में मुझे मिला तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक पम्प्स है, ग्रे कलर में है और भी बहुत ही चुन्नू सी इसकी हील है, मतलब ना के बराबर ही है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये भी मैं अक्सर पहन लेती हूँ। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोगों को पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।